अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो है हिमालय का निम फेस वॉश। अगर आप जानना चाहते हैं कि फेस वॉश कैसा है, ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ किस तरह है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीम का ये फेस वॉश क्लेम करता है कि ये 100% हर्बल है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है हिमालय हर्बल, और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और ये जो फेस वॉश है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है नीम और टर्मेरिक, यानी नीम और हल्दी। नीम के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। नीम हमारे चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारे खून को साफ़ करता है और हमारे डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, ब्लैक हेड्स हों, वाइट हेड्स हों, इस तरह की बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए नीम बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है। और जैसा कि हल्दी भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे बहुत सारी क्रीम्स होती हैं उनमें टर्मेरिक का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे फेस पैक, फेस मास्क वगैरह होते हैं, होम रेमिडीज़ होती है, उसमें भी हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इससे पहले मैं अपने चैनल पर टर्मेरिक से एक फेस पैक बना चुकी हूँ और शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखते हैं स्किन के लिए, नीम और हल्दी। और ये जो फेस वॉश है ये क्लेम करता है कि हर्बल है, और वाकई ये बिल्कुल हर्बल इंग्रेडिएंट से बना है। इसके पीछे इसके ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। और इसकी जो ट्यूब है वो 100 ml की है, और इसकी शेल्फ लाइफ है 12 मंथ। 12 मंथ तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और हिमालय की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी ख़ास बात ये है कि ये आपको लोकल मार्केट से ईज़िली मिल जाती हैं, और मैंने भी ये एक लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी है 260 रुपीज़। 260 रुपीज़ की ये एक ट्यूब है, और इसमें है 100 ml। 100 ml इसमें फेस वॉश है, और ये देखें ये तकरीबन इतना यूज़ हो चुका है। ये पूरी बोतल यूज़ करने के बाद ही मैं इसका आपसे हॉनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पहले प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही उसका हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ, तो ये भी इसका हॉनेस्ट रिव्यू है। और अगर आपको एक्नी है, एक्नी प्रॉब्लम है, पिंपल्स प्रॉब्लम है, या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम से ये फ़ाइट करता है। ये वाकई नीम का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश है, ये बहुत ही अच्छा है हर तरह की स्किन के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल है। हाँ, ड्राई स्किन वाले इसको आप यूज़ ना करें, ये ऑयली और नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। हिमालय के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे हिमालय के स्क्रब का और हिमालय के मास्क का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, हॉनेस्ट रिव्यू, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हर तरह से ठीक हो जाए, आपके जो पिम्पल्स निकलते हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हिमालय की जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं। ये आप अपनी स्किन के रूटीन में इसको शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द स्किन प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। जैसे आपने स्क्रब ले लिया है, हिमालय का स्क्रब ले लिया है, हिमालय का मास्क ले लिया है, और हिमालय के नीम फेस वॉश रेगुलर अगर आप फेस अपना वॉश करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। फेयर एंड ग्लोइंग स्किन के लिए आपने इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है, और इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है कि बहुत ही कम क्वांटिटी आपने लेनी है इसकी, और उसके बाद आपने अपने फेस पे इसको मसाज करना है सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, और फिर उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, और उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। और इस तरह से आप अगर दिन में 2 बार करेंगे तो आपको आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी और फेयर भी होगी स्किन, और जो इसकी कंसिस्टेंट टेंसी है वो भी इस तरह से जेल टाइप की है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी भी, ये देखेंगे इस तरह से है, ख़त्म हो चुका है जैसे, तो इस वजह से निकल नहीं रहा। ये देखेंगे इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, देखें ये जेल फॉर्म में है, और इस तरह से, और जब आप इसको मुंह धोएंगे तो काफ़ी झाग भी बनाएगा,
इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, आपने इसकी कंसिस्टेंसी भी देख ली और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये वाकई जो क्लेम करता है कि 100% इसके जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, तो वाकई इसके जो मैंने यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम हो तभी आप हिमालया यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप हिमालया का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉप फ्री, सॉप फ्री है और ये क्लेंजेस एंड प्योरीफाइज फॉर क्लियर प्रॉब्लम फ्री स्किन, प्रॉब्लम फ्री स्किन हो जाएगी आपको इसको यूज़ करने के बाद। और नो डाउट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे मिले हैं। और मैं आपको 100% ये रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा ये फेस वॉश है, बल्कि इसके जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं हिमालय की वो बहुत अच्छी हैं। और मैं यूज़ करती हूँ, खुद यूज़ करती हूँ इसको, और जब भी मैं आपसे इसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले भी मेरे चैनल पे इसके दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।